हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और कल मैं वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं परसों रात आई थी। सुबह जाके रात को आना, शाम मतलब दिन के दिन लौट आना, तो थकान तो हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था, जिस नामकरण संस्कार था जी, तो इसलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। कल मेरी वीडियो नहीं आई क्योंकि आके मैंने मोबाइल छुआ नहीं बिल्कुल भी। सो गई थोड़ा बहुत देर, सामान मतलब एक आध घंटे बाद सो गई थी, तो मोबाइल जब देखा नहीं तो वीडियो नहीं बनाई। तो हाँ, एक बात सुनो, मैं गुटखा क्यों उनके लिए कह रही हूँ? मतलब क्या बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आती है बात। नाजिया ने गाड़ी ली तो वो भी उसने प्रमोशन से ली है, अब नाजिया भी खराब होने लगी। नाजिया ने गाड़ी ली, वो प्रमोशन से ली, साहब क्या बात है। और ये लोग उम्रा पे गए, वो भी प्रमोशन से गए। जिनके मिलियन में व्यूज आते हैं उन्हें प्रमोशन में इतना डिस्काउंट नहीं मिलता जिन्हें मिल गया। क्या बात है भाई, गुटका क्यों तुम्हें, मतलब हर चीज तुम्हें गलत दिखाई दे रही है। गाड़ी प्रमोशन से मिलती है क्या, या गाड़ियां प्रमोशन से मिलती हैं, या कोई उम्रा भी इतना लाखों का कोई प्रमोशन में मतलब डिस्काउंट देता है कि मतलब 5 लाख की गाड़ी है तो 1.5 लाख में मिल जाएगी प्रमोशन से। क्या बात है, इतनी मतलब इतने यूट्यूब पे ये फेमस पर्सनैलिटी है जी? नहीं, इतनी फेमस पर्सनैलिटी नहीं है अभी। उनके देखिए, जिनके 5 5 मिलियन है, 7 7 मिलियन है, 10 10 मिलियन है सब्सक्राइबर, और मिलियन में व्यूज आते हैं जिनके, उन्हें भी इतना प्रमोशन से नहीं मिलता। अनपढ़ जाहिल औरत है ना, बिल्कुल जानती नहीं है। इसे तो बोलना है, कुछ भी बोलना है ना। अब नूर को अच्छा कह रही है कि नूर आराम कर रही है, मुझे अच्छा लग रहा है देख के। अरे अब तो जितने लोग होते हैं घर में उतना काम होता है, समझे? अब लोग नहीं है, कम लोग हैं तो उसे आराम मिल रहा है। ये कोई कहने की बात है क्या? ये समझने की बात है, ये बोलने की बात नहीं है, समझे? पाजेब पे सवाल उठ रही है कि वो छन छन बोल रही है, ये कर रही है। तुम्हारे हाथ पे टैटू गुदे पड़े हैं, तुमने कल अपने मुंह से खुद कहा है कि मेरे शरीर पे इतने सारे टैटू हैं, मुझे लाखों रुपए छुटवाने के लगेंगे। तो तुमने बनवाने से पहले नहीं सोचा था शरीर गुदवाने का? कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ गुदवाया है तुमने कुछ इंसानों से शरीर, बताओ। तुमने खुद कहा है कि इतने टैटू हैं, तो शरीर में किस किस जगह है ये भी तो बताओ। और जब गुदवाया होगा तो वो शरीर भी आपने दिखाया होगा, और आप मुसलमान बताती हो, दिन की बात करती हो। किस किस जगह है, इतना ही बोलना है तुम्हें, इतना ही बुरा लगता है ना वो लोग जो करते हैं। तो गोल्डन ग्रुप के लिए बोलो, गोल्डन ग्रुप के लिए क्यों नहीं बोलती? क्योंकि वो तुम्हारी पुंगी बजा देंगे, है ना? इनके लिए तुम्हें पैसा मिला हुआ है इसलिए बोल रही हो, है ना जी? हाँ। और एक बात आई, जेठ के सामने मैं तो सिर से पल्ला कभी हटाती नहीं हूँ। जेठ के सामने मेरे तो सिर पे पल्ला रहता है। सिर पे पल्ला? अरे मुस्लिम में पर्दा लिखा है, पर्दा। तुम कह रही हो जेठ गैर मर्द होता है, तो पर्दा लिखा है मैडम, आपको पर्दा चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत दीन तालीम की बारे में जानती हैं। आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं दीनी तालीम के बारे में, तो आपको बिल्कुल पर्दे में रहना चाहिए, समझे? उनकी छोड़ो, वो तो खराब हैं, गलत हैं, बिल्कुल बेकार लोग हैं, बदतमीज़ लोग हैं, दीन को नहीं जानते, ईमान को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते। वो तो उम्रा भी एक, तुम कह रही हो कि पिकनिक मनाने गए हैं, जैसे तुम कह, तुम्हें शर्म नहीं आती उम्रे के बारे में ऐसा बोल रही हो? तो तुम तो दीन तालीम वाली हो, तुम तो पर्दे में रहा करो। तुम कैसे सोशल मीडिया पर मुँह खोल के सबके सामने बैठ जाती हो बकवास करने के लिए? पहले खुद को सही करो, समझे? उनका उम्रा कबूल होगा या नहीं होगा, तुम कौन होती हो कहने वाली? तुम कौन होती हो कहने वाली? डिजिटल भिखारिन मेरे शब्द यूज करने लगी, कम से कम मेरे शब्द तो यूज करना शुरू किया तूने, समझे? और कह रही इनके इनके तो हर वक्त लिपस्टिक बिंदी मेहंदी मेहंदी लगाना मुस्लिम में सुन्नत होता है, शायद तुझे नहीं पता। मेहंदी हाथों पे लगी रहे या कहीं भी लगी, पैरों पे लगी रहे, कहीं भी लगी रहे, मेहंदी लगी रहना सुन्नत होती है, समझे? बकवास करती रहती है फालतू की, बोल वालों कितना डिजिटल भिखारिन खुद है, किसी को दूसरों को बोल रही है कि डिजिटल, उन्होंने वो पता नहीं क्या खोल रखा है जो करने का भी, अरे कुछ भी कर रखा है, लोग उन्हें पसंद करते हैं ना। तू अपने को देख, तेरी असलियत, तू जितना झूठ बोलती कि मैं झूठ नहीं बोलती, सबसे बड़ा झूठ तो यही बोलती है कि ये कहती है कि मैं झूठ नहीं बोलती, समझे? तेरे मुंह पे अच्छा नहीं लगेगी ये बात, दूसरों को डिजिटल भिखारी कहेगी, क्योंकि तू कह रही मैंने तो खुद मांगा है, तूने जो मांगा है ना तूने झूठ बोल कर मांगा है, ठीक? तू कह रही है ना कि मैंने अपने बच्चों के लिए मांगा है, वो सब जो मांगा है तूने झूठ बोल कर मांगा है। अब मांग तेरा पड़ा है ना, वो 100 कॉल तेरा वो पड़ा है ना, उसे मांग, उसके लिए भी मांग अब तुझे, क्योंकि कोई नहीं देगा, तुझे समझ गया है। मांग तो तू अब भी लेती, तुझे समझ में नहीं आता वो अच्छा सा कंटेंट देते हैं, और तू बकवास करती है उनके लिए बैठ के। तुम जैसे जो सी लोग होते हैं ना वो बोलते हैं, अरे तुम बोल रही हो जब, अब बात है ये,
मतलब जो भी बात तुम्हें कहनी है ना, अगर उसके बारे में, जीनी के बारे में, तो जफीर से बात कर लो ना। तुम तो कहती हो जफीर से मेरी बात होती है, तुमने पहले भी कहा है जफीर से मेरी बात हुई है, जफीर ऐसा कह रहा था, जफीर वैसे कह रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। तो जफीर से बात करो ना, वो बिल्कुल क्लियर बताएगा तुम्हें सब, हर बात की सब कुछ पता है। और एक बात बताओ, प्रूफ के साथ बात करा करो। तुम जो कह रही हो ना कि प्रमोशन से गाड़ी मिली है, प्रमोशन से उम्रा पे गए हैं, तो प्रूफ दिखाओ ना। प्रमोशन से मिला, वो लोग आके बोलेंगे ना जिन्होंने प्रमोशन दिया है, वो क्यों छुपाएंगे, उन्होंने तो दिया है। वो तो तुमसे भी कहेंगे कि हमारा प्रमोशन करो, हम तुम्हें भी देंगे। तो उन्हें बुलाओ और उनसे कहलवाओ, प्रूफ के साथ दिखाओ। ये दो चार कमेंट दिखा के ना, ये प्रूफ नहीं होता, ये पब्लिक का सीन मत बनाओ। मेरे सामने तुम नहीं टिक पाओगी, इतना बता रही हूँ मैं, नहीं बोल पाओगी। एक दिन मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, तभी उछल के आ जाती हूँ झूठ बोलने के लिए, अच्छे से समझे। दिखाई दे रहे, अब्बा चले गए, अब्बा ने ये कर लिया, अब्बा ने वो कर लिया, अब्बा ये, अब्बा से तुझे बड़ा दिलचस्पी है। अब्बा चले गए, अब्बा कहीं भी रह रहे, अब्बा कुछ भी कर रहे, तो तू अब्बा से क्या मतलब है तुझे? तलाक हो गया ठीक है, तू करेगी क्या निकाह उनसे? तुझे करना है निकाह? ये उनके यहाँ काम करती थी, ये वो करती थी, कुछ भी करती थी, अब्बा ने छोड़ के कराना निकाह, ठीक है। अब्बा यहाँ नहीं रहते, अब्बा अपने परिवार के साथ अपने दूसरे घर में रहते हैं, तू अब्बा का जिक्र मत कर। तुझे लगता है अब्बा नहीं आते तो नहीं आते, तेरे कमेंट बॉक्स में उठा के देख के लोग कह रहे हैं कि अब्बा दूसरे वाले घर में रहते हैं, कहीं शामिल होना होता है तो हो जाते हैं, नहीं आते वो। बहुत से लोग परिवार में, मेरे बच्चे, मेरा लड़का नहीं आता सोशल मीडिया के सामने, कोई जरूरी थोड़ी है। अब इसमें तूने ये बात कह दी कि तेरे लड़के ने तुझे निकाल दिया। एक ये जॉक लगा मुझे तो बिल्कुल, समझे। हमारे नहीं आते हैं, बहुत से परिवार में नहीं आते हैं, कैमरे के सामने कोई जरूरी बात होती है तो आ जाते हैं, ऐसी कोई जरूरी बात होगी तो आ जाएगा, मना भी नहीं करेगा, लेकिन ये नहीं है कि बात बात पे आ रहे हैं, समझे। और एक कमरे में नहीं सोते, एक कमरे में मैंने तुझसे कहा था, बहुत से लोग बड़े, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पोते पोते वाले हो जाते हैं, नहीं सोते एक कमरे में, समझे। तू तो वैसे तो तू कहती है कि दीन तालीम वाली होना चाहिए, दीनी तालीम की बात करनी चाहिए, वैसे तू मॉडर्न वाली बातें करती है। अब तू ये मॉडर्न वाली बातें कर रही है ना कि अब्बा एक कमरे में नहीं सो रहे, ये तो आज के ज़माने में बात है ना। पहले के लोग तो जब बड़े बच्चे हो जाते थे नहीं सोने लगते थे, बाहर सोने लगते थे बैठक में, है ना। तो कुछ तो वो बोल ना जिसमें लॉजिक हो, जिस बात का कोई मतलब निकल रहा हो, जिस बात का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, जिस बात में कोई लॉजिक ही नहीं है, वो बकवास मत कर। तुझे बेवकूफ़ बनाना है लोगों का, गुटका क्यून और कुछ नहीं, तो गुटका क्यून है, गुटका क्यून ही रहेगी, समझे। ये कर करके समझे, हाँ। अब तो ये चक्कर ये है ना, पहले जब गुदवाए होंगे शादी से पहले तूने, तो तूने शरीर लोगों को दिखा दिया होगा, टैटू गुदवाए होंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ गुदे हुए हैं, और अब दिखाएगी तो अब तेरा वो जो है ना हड्डियाँ तोड़ देगा तेरी, कि चल अब मिटवाने के लिए। ये बकवास करती है, तुझे बोल रहा ना तो उन लोगों पे बोल जो बिल्कुल धज्जियाँ उड़ा रहे हैं दीन तालीम की, समझे, मुस्लिम धर्म की जो धज्जियाँ धज्जियाँ उड़ा रहे हैं उन उनके बारे में बोल। नहीं बोलेगी क्योंकि तुझे इनके लिए पैसा मिला है, समझे। बकवास करती है फालतू की। अब्बा घर में नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है, और सबको पता है, तू बकवास मत कर, तू बेवकूफ़ मत बना। और सुन, इस घर में नहीं रहते अब्बा, हाँ ये पक्का है। और एक बात, तू तो बहुत पढ़ी लिखी बोलती है ना अपने आप को, जॉब कर लेना, जॉब कर। अब कहेगी कि मैं बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ, छोटा बच्चा है। तो एक बात सुन, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बहुत जगह वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो कर तू, दिखाना पब्लिक को, वो कर लेना, चुगली करना बंद कर लोगों की। और एक बात सुन, ये जो तेरा वो पड़ा है ना, वो तेरा दल्ला, समझ गई, बीमार, वो क्यों पड़ा है? पहली बात तो वो नशा करता है, उसके आते बेकार हो चुकी हैं, इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन होता है आंतों में, आते बेकार हो चुकी हैं नशा करने से। दूसरी बात, तू लोगों की बैठी हुई सोशल मीडिया पे बद्दुआएं ले रही है, हाय ले रही है, वो हाय और जो बद्दुआ है ना वो घर पे ही पड़ती है, कहीं ना कहीं जाती है, पड़ती है, तू ले रही है बद्दुआ और हाय, क्योंकि वो तेरे लिए कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जो बोलता नहीं है ना, बिना बोले की जो बद्दुआ होती है ना, बहुत बुरी तरह पड़ती है, समझे। और कह रही है जीनी ने किसी बंगाली से शादी कर ली है, तुझे तो बंगाली मिला नहीं, उसे मिल गया, क्या बात है, तू तो आ गई यहाँ। और क्या कह रही है कि उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड ने हिंदू मुसलमान हो गए हैं, बहुत मुश्किल से ये एकाध होते हैं, होते नहीं है, जवानी में खतना कराया है, ये है वो है, तू भी तो हुई है, इम्तियाज को देख, इम्तियाज भी तो हुआ है हिंदू से मुसलमान, बहुत लोग हुए हैं, वीडियो बनाता है वो, बहुत होते हैं, ये दिल के बात होती है, जो दिल से हो, जिसको दिल को लगती है वो हो जाता है, ये भी हो गया, समझा। उसे ने बंगाली मिल गया, तुझे तो बंगाली मिला नहीं, ऐसे लग रहा है मुझे तो, कह रही है ऐसा लग रहा है कि उसने बंगाली से शादी लग रही, बस कभी यही कहती रही, ऐसा लग रहा है, वैसा लग रहा है, कोई बात, तेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, कोई 100% श्योर नहीं होती है तू,
बस ऐसा लग रहा है वैसा मिला है, कुछ तो सच बोल, वो तो बोल जिस बात में कुछ लॉजिक हो। हैं एक तरफ कह रही है लाखों की सैलरी उड़ाते हैं ये लोग, है ना, और क्या कहते हैं, और एक तरफ कह रही है कि प्रमोशन से उम्र गए हैं, प्रमोशन से गाड़ी ली है, एक तरफ कहती है लाखों की सैलरी उड़ाते हैं, कुछ तो यार क्या कहूँ मैं, बार बार कहना पड़ रहा है, कुछ तो ऐसी बात बोल जिसमें कुछ लॉजिक हो, कुछ मतलब हो, कुछ तो दम हो बात में, कुछ तो सच्चाई हो। और बात रही तकब्बुर, मुझे तकब्बुर नहीं है, उसके उस पर वो आ गया था चैनल पे स्ट्राइक आ गई, उसके चैनल पे स्ट्राइक आ गई, मेरे पे नहीं आई, मुझे तकब्बुर नहीं। तुझे तकब्बुर किस चीज़ का होगा, क्या है तेरे पास जो तुझे तकब्बुर होगा, ये बता क्या होगा, क्या है तेरे पास जो तकब्बुर होगा तेरे पास, या फिर मैं डिटेल से बताऊँ कि क्या चीज़ नहीं है, किस बात पर तकब्बुर होगा, चल छोड़ नहीं बताती मैं, समझे। चलो ठीक है फिर, आज के लिए काफ़ी हो गया, इसके लिए इतना ही। गुस्सा आता है मुझे, मैं बैठ कर देखती हूँ उनकी वीडियो, इनकी वीडियो सब देख के, जब मैं बात का निचोड़ निकालती हूँ तो मुझे 100% सच्चाई नहीं लगती है, झूठ बोलती है ये बैठ के, तो इस बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है। ठीक है, मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी बातें पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मुझे कमेंट। ओके बाय।